हेलो एवरीवन, वेलकम आर माय चैनल स्टाइली विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। तो ये मेरे घर पे ना कल बहुत बड़ा सा बॉक्स आया, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि इसमें ऐसा क्या है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजा है। तो मैंने खोल के देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मुझे स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे घर में सामान बहुत ज़्यादा है, स्टोरेज बहुत कम है, मुझे सामान रखने के लिए बहुत सारे स्टोरेज की ज़रूरत थी। तो ये स्टोरेज बॉक्स जो है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे एज अ गिफ्ट भेजा है न्यू ईयर्स के लिए। तो और ये इतना बड़ा है जितना बड़ा मेरा कंधा है, मेरे कंधे तक ये पूरा स्टोरेज आ रहा है। ये फाइव का पूरा रैक है, फाइव रैक का स्टोरेज उन्होंने भेजा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मैं एक सेपरेट हॉल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्द। तो ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए भेजा है एज अ गिफ्ट। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना बड़ा है और इसमें जो इसकी गहराई है ना बॉक्स की, बहुत बड़ी है। एक्चुअली मैंने सही से नहीं लगाया है, मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं सही से लगाऊंगी। ये इतना बड़ा स्टोरेज है कि ये पूरा मेरे कंधे से ऊपर आ रहा, यानी मेरे गर्दन तक आ रहा। तो आप इसके बॉक्स देख सकते हैं। तो ये पूरे बॉक्स जो है ना, काफ़ी स्पेसेस है, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है कि इसमें मेरे बहुत सारे सामान आ जाएंगे। तो ये मेरे हस्बैंड ने भेजा है, तो हम दोनों एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर मैं समझती हूँ कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा सोचते हैं। तो ये देख सकते हैं इतना बड़ा है। तो ये जो है मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एज अ गिफ्ट भेजा है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसा है, और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आएगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपने कुछ ज्वेलरी डिज़ाइन करने के लिए बैठी हूँ। जैसा कि मैं बहुत बार आप लोगों को अपने वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ कि मैं जब रेस्ट करती हूँ तो अपना कुछ ना कुछ काम घर के जो रहते हैं उनको कंप्लीट करती रहती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं कुछ, मेरे पास कुंदन के पड़े हुए थे, स्टोन पड़े हुए थे कुंदन के, कुछ क्या बहुत सारे पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया लेटेस्ट ज्वेलरी डिज़ाइन किया जाए। और ये ज्वेलरी जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ ना, इसे मैंने ऑनलाइन देखा था और उसका प्राइस जो है 400 समथिंग कुछ जो है चार्ज था उसका। तो मैंने सोचा कि यार मेरे पास कुंदन तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, क्यों ना मैं इसको घर पे ही डिज़ाइन कर लूँ। तो ये यही मैं कर रही हूँ। ये शाम का टाइम है, यानी कि 7:30 बज रहा है, और चाय नाश्ता मैंने कर लिया था क्योंकि खाना जो है मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि मेरे हस्बैंड के ऊपर कि तेरे हस्बैंड बड़े अच्छे हैं क्या, फलाना ढमकाना। तो मैं यहाँ पे उन लोगों को ये मेंशन करना चाहती हूँ, जी नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं। तो हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है ये उनको पता है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है ये मुझे पता है। तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि वो अपना काम छोड़ के मेरे पीछे पीछे घूमते रहे, या मेरी वीडियो बनाते रहे, मेरी वीडियो शूट करते रहे। तो इन सब चीज़ों में मैं उनको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ। मैं बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ कि मैं अपनी चीज़ें खुद सक्षम हूँ करने के लिए, तो मुझे उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और वो एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस देख रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं जब बीमार रहती हूँ तो वो बाकी सारी चीज़ें करते हैं, उतना ही काफ़ी है। और हस्बैंड लोगों का जो काम होता है ना, वो बाहर का काम होता है, वो कहीं कोई चपरासी की नौकरी नहीं करते हैं, या फिर कहीं की देख रेख तो नहीं करते हैं। वो एक बिल्डर हैं, और बिल्डर के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, तो इसलिए मैं अपने काम का प्रेशर उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ कि वो मेरा काम भी देखे, मेरी वीडियो शूट करे, या फिर कुछ भी ऐसा करे तो मैं उसको एक पॉइंट बना के वीडियो बनाऊं। तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं रहता है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने काम से। तो मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर रही हूँ इस तरीके से। मैं पहले एक सेट लगा के देख रही थी कि कैसा कैसा बनेगा ये, तो इस ये जब बन जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे इसको पहले चिपकाने की कोशिश कर रही थी, तो ये चिपक नहीं रहा था, ये जो है फैब्रिक ग्लू से भी नहीं चिपका, और हॉट ग्लू गन से भी नहीं चिपक रहा था। तो इसके बाद मैं इसको ना स्टिच करूँगी, यानी कि सभी को बांधूंगी। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ग्लू से भी चिपकाने की कोशिश किया, नहीं चिपका, क्योंकि ये थोड़े से स्टोन जो है ना बहुत हैवी होते हैं, तो ये जो गोंद होते हैं ना इस पर काम नहीं करते हैं। तो ये हॉट ग्लू गन भी काम नहीं किया,
तो उसके बाद मैं यहाँ पे धागे से स्टिच कर रही हूँ, तो इसकी एक लेयर तैयार करूँगी। उसके बाद इसको जो पर्ल वाली मोतियाँ होती है ना उससे डेकोर करूँगी। तो ये जब फाइनल बन जाएगा ना तब मैं दिखाऊँगी। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इसका मेजरमेंट कितना है, उसका मेजरमेंट कितना है। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें बनाती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा दिखा के और ख़रीद के दिखा देती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मेरे पास हर चीज़ की मटेरियल है और मैं सब चीज़ों की जानकारी मेरे पास है, क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी मैंने इन सभी चीज़ों का कोर्स किया हुआ है। तो मुझे झूठा रिव्यू झूठा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस चीज़ में परफेक्ट हूँ वही चीज़ बताती हूँ आप लोगों को, और मेरे जो जेन्युइन सब्सक्राइबर है जेन्युइन व्यूअर है उनको पता है। तो वो लोग खुद बोलते हैं मुझसे, दीदी कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और आपको सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आई एम सो हैप्पी कि मेरे पास ऐसे सब्सक्राइबर ऐसे व्यूअर्स हैं जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो कुंदन की ज्वेलरी है ना बन के रेडी हो गई। तो मैंने अभी जो है ना 2-3 चीज़ें ऑनलाइन मंगाई हुई है, और अभी ऑनियन ऑयल जो है मेरा रिसीव नहीं हुआ है। तो अभी जस्ट मुझे रिसीव हुआ है ये पार्सल अमेजोन से। तो यहाँ पे मैंने मंगाया है सैनिटरी पैड, जो कि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और अगर आपको भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके का पैड मंगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अभी मुझे इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं पता है, जब तक मैं इसको यूज़ नहीं कर लूँगी तब तक मैं इसका कोई खास रिव्यू नहीं दे पाऊँगी। और ये पैंट्री लाइन है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके का पैड यूज़ कर सकते हैं, इसमें आती है ये। और इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी स्मेल है। मैं काफ़ी टाइम से इसको मंगाना चाहती थी और फाइनली जो है मैंने इसको मंगा लिया है। और अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, और मुझे वाइट डिस्चार्ज की वजह से मेरे जो कमर की हड्डियां है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। आप सबको पता है कि वाइट डिस्चार्ज की जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो कितनी ज़्यादा जो है हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देती है, और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार इस पैंट्री लाइन को भी यूज़ करके देखा जाए। इससे कुछ नहीं होता, इससे ये होता है कि जो हमारी पैंट्री होती है वो ख़राब होने से बच जाती है। आप इसको सफ़र में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा। मुझे ज़्यादा कुछ इसका रिव्यू नहीं पता इसलिए मैं ज़्यादा इसका डिटेल आप लोगों को नहीं दे रही हूँ। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने ये पैंट्री लाइन जो है मंगाया है और अमेजोन से मंगाया है। ये मुझे 166 का पड़ा है, बट 80 रुपीज़ जो है ना मुझे इसका शिपिंग चार्ज देना पड़ा है। और ये मैंने जो है अपने कूपन कार्ड के जरिए मंगाया है, यानी कि अमेजोन में जो पैसे मिलते हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड को पैसे मिलते हैं ऑफिस की तरफ से अमेजोन के मतलब शॉपिंग करने के लिए, तो उसी से मैंने मंगा लिया है फ़िलहाल। तो अब मैं इसको यूज़ करके बताऊँगी कि ये कैसा है। अगर आप लोगों को भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो ये पैंट्री लाइन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से भी जो है राय ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं। हालांकि मेरी दवाइयाँ चल रही है और मुझे एक्चुअली इंग्लिश दवाइयाँ खाने में बहुत प्रॉब्लम है, तो ये मेरे जो दवाइयाँ हैं ना इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी टाइम से था। तो ये मेरी बहुत सारी दवाइयाँ हैं और इसको खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अभी मैं अपने डॉक्टर को चेंज करने वाली हूँ, और ये एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है स्टार्ट करूँ। होम्योपैथिक दवाई थोड़ा लेट असर करता है लेकिन होता बहुत अच्छा है, और इसलिए मैंने सोचा है कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराऊँगी। तो ये मैंने मंगाया है पैंटी लाइनर जो कि अमेजोन से है, और ये काफ़ी बेस्ट है। उसमें बहुत सारे पीसेस हमें रिसीव होते हैं, और ये एक या दो महीने से ज़्यादा चल जाता है आराम से। 1, 3, 4, 5 काफ़ी सारे हैं, यानी कि 20 या 25 पीसेज हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। और अभी जस्ट मुझे रिसीव हुआ है, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे गरारा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और ये जब बन जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी मैं इसका मेजरमेंट ले रही हूँ और कटिंग कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे मेजरमेंट जो है अपने जींस के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। और गरारा के लिए आपके जो इसको हाफ ही कटिंग करनी होती है, तो इसका पूरा प्रॉपर मेजरमेंट जब मैं बनाऊंगी तब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अभी मैं इसके ऊपर पैंट का जो है ना सिर्फ कटिंग करके रख रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने दो पार्ट में कटिंग कर लिया है। जब नीचे का गरारा मैं बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो मैं शरारा और गरारा
और पेटलम का जो सेट होता है ना वो रेडी कर रही हूँ। उसके बाद मेरा ये वाला ब्लाउज रह गया था, तो मैं फटाक से जो है अपने रूम में आई और इसको जो है मुझे पक्का भी करना था और यहाँ पे कुछ लेस वगैरह जो इंक्लूड कर रह गया था काम, तो उसे मैं यहाँ पे फटाफट कंप्लीट कर रही हूँ। तो वही मैं दिखा रही हूँ कि मैं पूरे दिन में कितने सारी चीज़ें करती हूँ। मेरे घर का भी मेरे सारा काम किया है और आप लोगों को बता दूँ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन जैसे तैसे बैठ के मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा अपना काम करती हूँ, क्योंकि मुझे गाइस खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इधर उधर की गपशप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी से फालतू के बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं अपने टाइम को जो है बातों में निकाल दूँ या फिर इधर उधर की चीज़ों में निकाल दूँ। और सच्ची बताऊँ मुझे तो मेरा फ़ोन देखने तक का भी टाइम नहीं मिलता है और मैं पूरे दिन इस तरीके से बिजी रहती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मेरे लेस का काम रहता है ना, जो भी मेरे काम पेंडिंग रहते हैं ना, मैं पूरे दिन उसको निपटाती रहती हूँ। कपड़े धोने हैं तो कपड़े धोऊंगी, घर में काम है तो घर के सारे काम देखती हूँ। मैं चाहे कितना भी बीमार रहूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन मुझे काम करते रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप हल्का सा भी बीमार है ना, अगर आप अपने आप को बीमार जैसा फील करेंगे और आप एक ही जगह बैठ के बेड रेस्ट करेंगे तो आप और भी ज़्यादा बीमार होने लग जाएंगे। इससे आप अपने आप को कभी भी बीमार फील मत करिए, कितना भी आपकी तबीयत खराब है। हाँ, रेस्ट जरूरी है, तो मैंने कल पूरे दिन रेस्ट भी किया है, लेकिन अपने काम को भी साथ के साथ करते गई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी हो जाए गाइस, मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट करना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं एक ही जगह पे बीमारों जैसा पड़ी रहूँ, बीमारों जैसा फील करूँ। तबीयत खराब है आई नो, लेकिन फिर भी मैं आप देख सकते हैं कि मैं अपने काम को निपटा रही हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन क्या करूँगी, बोर ही हो जाऊँगी। इससे अच्छा मेरे जो भी थोड़े बहुत काम है ना, उसको पेंडिंग में जो काम रहते हैं ना, मैं उसको कंप्लीट करती रहती हूँ। तो ये वाला ब्लाउज जो है ना मेरा रह ही गया था, और अभी मुझे एक ब्लाउज भी बनाना है, एक पैटलम कुर्ती भी बनानी है, जो मैं वेलवेट का कपड़ा लेकर आई थी ना, उनको भी मुझे कंप्लीट करना है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ना ही मुझे फालतू बैठना अच्छा लगता है और ना ही मुझे किसी से फालतू बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं अपने काम को ही निपटाती रहती हूँ, जो मेरे काम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वक्त एक बार निकल जाए ना तो फिर वापस नहीं आता। तो ये ब्लाउज गाइस सच्ची बताऊँ लेस लगने के बाद ना बहुत सुंदर लग रहा था। फिर जो इसके बाजू थे ना, जो मैंने अपने टी शर्ट से लगाए थे, तो उस पर भी मैं एक गोल्डन कलर का लेस लगा रही हूँ। सच्ची बता रही हूँ, ब्लाउज बनने के बाद ना बड़ा खूबसूरत लग रहा था, और मैं इसको ना जल्दी आप लोगों को वेयर करके दिखाऊंगी और कलेक्शन वीडियो जब शेयर करूंगी ना, तो उसमें आप लोगों को पहन के भी दिखाऊंगी। और बनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मेरा वो काम खत्म हो गया, उसके बाद देखो मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि अब मेरा जो है ना लंच का टाइम हो गया। मेरे हस्बैंड सब्जी बना के गए हैं, आटा लगा के गए हैं, तो अब मेरा काम है बस दो रोटी खानी है, एक मुझे एक निशु को, क्योंकि मुझे दवाइयाँ खानी है इसलिए। और सुबह मैंने फ्रूट वगैरह खा लिया था, चाय नाश्ता करने के बाद मैंने अनार भी खाया था और केले भी खाए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सारा अनार और केले वगैरह सब ला के रख के गए हुए हैं, अगर नहीं खाऊंगी तो गुस्सा होंगे। और साथ के साथ मैं यहाँ किचन में आने से पहले अपने कपड़े लगा दिया था, तो यहाँ पे मैं सब्जी गर्म कर रही हूँ और उसके बाद रोटियाँ बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ, मुझे मेरे काम करने के लिए मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ मैं कितना करती हूँ कितना नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट रोटियाँ बनाऊँगी अपने और निशु के लिए, तो उसके बाद हस्बैंड ने खाने में बनाया है साग और उसके साथ मैं बनाऊंगी रोटी। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन रही है फटाफट, उसके बाद हम करेंगे लंच। फिर भी मैं खाली नहीं बैठूंगी, उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे काम है। लंच करने के बाद मैं अपने जो कपड़े धुले थे उसको फैलाऊंगी, फिर अगेन जो कपड़े गंदे हैं उसको निकाल के मशीन में डालूंगी। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन गई, सब्जी भी गर्म हो गया, तो उसके बाद हम लंच कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं अपने सारे काम करती हूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे खाली बैठना खाली इधर उधर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अभी हो रहे हैं हमारा लंच का टाइम और मैं कपड़े भी धो रही हूँ, आई थिंक धुल भी गया है, तो चलो कपड़े धुल गए हैं। और एक मैडम का कल कमेंट आया था कि तेरा पति बहुत अच्छा है क्या, तो जी नहीं, मेरे पति अच्छे नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं। He is caring me, he is loving me, तो वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं और दिखावे के लिए कुछ नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ना वो मेरा मेरे फ़ोन को लेके पीछे पीछे घूमते हैं कि मेरी वीडियो शूट करे, या मेरी बीवी वीडियो बना रही है तो उसका वीडियो शूट करे, या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो एक बिल्डर हैं, अपने काम को देखते हैं
और आज भी मुझे जाना है 4 बजे दवाई लेने, जिसके लिए मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ और वेट कर रही हूँ। अभी आफ्टरनून का टाइम हो गया है, वो जल्दी आ जाएंगे। वो अब पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने काम के साथ साथ अपने बीवी बच्चों को भी उतना ही टाइम दें। तो जैसे कि आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो वो टाइमली छुट्टी लेकर आ जाएंगे। कल भी उन्होंने मुझे टाइम से डॉक्टर के पास दिखा दिया था। तो अभी खाना जो है ना वो बना के गए हैं, उन्होंने बनाया है चिकन साग बनाया है और अंडा करी बनाई हुई है। तो अंडा करी मैं नहीं खा रही हूँ, और वो सुबह उठ के ही अपना चाय नाश्ता भी मुझे करा के गए हैं और मुझे फ्रूट्स खिला के गए हैं और जो खाली पेट की दवाइयाँ होती है वो खिला के गए हैं। तो वो अपने फर्ज को निभाते हैं दिखावे के लिए। ऐसा नहीं कि बीवी वीडियो बना रही है तो मेरे पीछे पीछे मेरा वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, घर बैठे हैं। जी नहीं, वो अपना काम देख रहे हैं और मैं अपना सारा काम करने के लिए सक्षम हूँ। और अभी जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा बैठ बैठ के मैंने अपना पूरा बेडरूम सही किया है और किचन सही किया है और अपने बेटे के लिए रोटी बनाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आटा वगैरह सब लगा के गए हैं। तो इतना अगर वो ख्याल रख रहे हैं तो इतना बहुत है। तो मैंने ये आपसे नहीं मेंशन किया कि मेरे पति दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं, लेकिन अपने बीवी एड्रेस दिख जाएगा। तो छोटू सा कुछ भेजा है, पता नहीं इसमें क्या है, और काफ़ी दिन से प्लान कर रहे हैं। तो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको किस चीज़ की रिक्वायर्ड है ये मुझे पता होती है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है ये उनको पता होती है। तो हम लोग एक दूसरे के लिए प्लान करते हैं। बेल्ट भी खरीदा था, क्योंकि एक्चुअली उनके पास स्वेटर तो बहुत है लेकिन ये मेरी इच्छा थी। तो ये है वो स्वेटर, और इसका ब्लैक एंड वाइट कलर मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि ऐसा सेम मेरे पास भी था। तो ऐसा है ये स्वेटर, ये इस तरीके से है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका बाजू। इसमें ना अब डिटेलिंग बहुत प्यारी सी डिटेलिंग दे रखी है, इस तरीके से उभरा उभरा सा डिटेलिंग दे रखा है, इसलिए मुझे बहुत पसंद आया था। तो एक ये वाला मैंने स्वेटर दिया था उनके लिए। तो ये वाली ब्लाउज भी टोटली कंप्लीट हो गई है, बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। और मैंने इसके बाजू पे भी इस तरीके से ना लेस लगा दिया है, और मैं सोच रही हूँ कि इन तीनों पे भी लेस लगा दूँ। तो आप लोग ही सजेस्ट करना कि कैसा लगेगा। और मैंने यहाँ पे भी लेस लगा दिया है, यहाँ पे भी लगा दिया है, और इसके गले पे भी लेस लगा दिया है। वो जो ब्राउन कलर की पट्टी थी ना उसको टोटली मैंने ढक दिया है, क्योंकि इसकी वजह से ना मैच नहीं कर रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। तो इस तरीके से मैंने टोटली चेंज कर दिया है, और पहनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा ये ब्लाउज इस तरीके से। तो मैं वेयर करके भी आपको दिखाऊंगी, तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने इसके दोनों बाजू पे ना इस तरीके से लेस लगा दिया है। और चलो, तो कपड़े धुल गए हैं, अब मैं जा रही हूँ कपड़ों को थोड़ा थोड़ा घड़ी करके रखने। घड़ी मतलब फोल्ड करके रखने, हमारे यहाँ तो फोल्ड ही बोलते हैं। तो ये सूख गया है, और मेरे भी सारे कपड़े सूख गए हैं, और अभी एक कपड़े सूख गए हैं और दूसरे कपड़े मैंने धो के डाल दिया है। तो तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं इतना मेहनत करती हूँ, इतना काम करती हूँ। बहुत सारे लोग हैं इतना जज करते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, शायद एलियन होंगे या किसी प्लैनेट से आए होंगे, आई डोंट नो। तो चलिए गाइज, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और मेरे हस्बैंड ने मुझे न्यू ईयर्स के बहुत बढ़िया सरप्राइजेस दिया। एक्चुअली मुझे स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा हो गया, स्टोरेज कम हो गया, मेरे पास सामान रखने की जगह नहीं है। तो इसीलिए शायद इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मेरे लिए स्टोरेज मंगाया है। और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, तो इन सभी चीज़ों का ना मैं एक हॉल वीडियो, प्रॉपर एक हॉल सेपरेट वीडियो डालने वाली हूँ, तो वेट करना बहुत जल्दी। और एक कलेक्शन भी आने वाला है ब्लाउज का, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत लेटेस्ट एंड ट्रेंडी ब्लाउज मिलेगा, क्योंकि मैं अभी खुद स्टिच कर रही हूँ बहुत सारे ब्लाउज। थोड़ा थोड़ा स्टिच करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि मैं प्रॉपर बैठ के जो है ना स्टिचिंग करूँ। अभी मैं जा रही हूँ दवाइयाँ खाने, उसके बाद रेस्ट, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है प्रॉपर बेड रेस्ट, लेकिन फिर भी मैं बेड रेस्ट नहीं कर रही हूँ। और सुबह मेरे हस्बैंड सारा काम, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मैं जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पीछे घूमे, मेरे किचन में वो करते हुए दिखाए। तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं दिखाना चाहती हूँ, उनका जितना प्यार है, जितना केयरिंग है, इनफ है, मुझे बहुत खुशी है, इतना ही बहुत है मेरे लिए। और जितना वो करते हैं कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और वो एक
बिजनेसमैन है, वो अपना काम देख रहे हैं, वो एक बिल्डर है, तो मैं समझ सकती हूँ कि उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है काम का, तो मैं अपने काम का प्रेशर उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं डाल सकती हूँ। तो चलिए गाइज, इसी बात के साथ मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे मेक श्योर जरूर करना। बाय बाय गाइज, लव यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। बाय।